आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग, अगर आप कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई भी कोर्स कर रहे हैं, आप DCA PGD से कर रहे हैं, आप CPCT का एग्जाम देने वाले हैं, आप कोई भी हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार से आप कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का नॉलेज रखना चाहते हैं, तो ये टॉपिक आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के आप कोई भी जॉब करेंगे, आप कोई भी बिजनेस करेंगे, आपका खुद का कोई काम होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग की जरूरत आपको जरूर पड़ेगी। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और समझ लीजिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है, इसका उपयोग कहां पर होता है, और आपका फायदा क्लाउड कंप्यूटिंग को जानने के बाद कैसे होगा, इसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए समझते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन में आते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी तकनीक है जो हमें इंटरनेट पर आभासी संसाधनों को उपलब्ध कराती है। हिंदी वाले समझ गए होंगे, इंग्लिश वालों के लिए बतला दें, वर्चुअल रिसोर्सेस को उपलब्ध कराती है। किस प्रकार से वर्चुअल रिसोर्सेस को उपलब्ध कराती है? क्लाउड कंप्यूटिंग को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले तो इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, जो कि आजकल हर जगह लोगों के मोबाइल में, घरों में, ऑफिस में उपलब्ध है। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक प्रकार का आपको इंटरनेट के माध्यम से स्टोरेज उपलब्ध करा दिया जाता है किसी कंपनी के द्वारा। इस प्रकार से देखें, क्लाउड इसलिए बोलते हैं, बादल के सिंबल के रूप में हर जगह इसको बतलाया जाता है, क्योंकि ये स्टोरेज इंटरनेट यदि आप यूज कर रहे हैं तो आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा बड़ी ही आसानी से। इसलिए जैसे बादल हर जगह होते ना, इसलिए इसका नाम रख दिया गया क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा देखिए, यहां पर अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग से, लैपटॉप कनेक्ट है, स्मार्टफोन कनेक्ट है, विभिन्न प्रकार के नेटवर्क, सर्वर, मोबाइल, डेटाबेस, टैबलेट कंप्यूटर, तो ये सारे जो भी डिवाइसेस हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग के बेस में सभी लोग क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। किसके माध्यम से? क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक प्रकार से हमें इंटरनेट के द्वारा वर्चुअल रिसोर्सेस को उपलब्ध कराती है। अब इसे वर्चुअल रिसोर्सेस क्यों कहा गया? हमें ऐसा लगेगा कि इस सर्वर का, इस डेटाबेस का केवल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल कई लोग कर रहे होते हैं, तो इसलिए इसे वर्चुअल रिसोर्सेस कहा गया है। आभासी संसाधनों से आशय है ऐसे संसाधन जिनके लिए आपको अपने सिस्टम पर हार्ड ड्राइव की जरूरत नहीं होती। ठीक है, नॉर्मली आपको मोबाइल में यदि स्पेस की जरूरत है तो उसमें मेमोरी कार्ड होना चाहिए, मोबाइल में इंटरनल मेमोरी होनी चाहिए। इसी प्रकार से यदि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कुछ डेटा स्टोरेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में स्पेस होना चाहिए। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग इस्तेमाल करने वाले को अपने पर्सनल मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में स्पेस की जरूरत अगर होती है तो उस जरूरी नहीं कि उसके फिजिकल, उसके कंप्यूटर या उसके मोबाइल में वो सुविधा हो। वो सुविधा वो इंटरनेट के माध्यम से क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा इस्तेमाल कर सकता है। तो मेरे ख्याल से इस दूसरी लाइन के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है, इसकी जरूरत हमको रिसोर्सेस को उपलब्ध कराता है। आप इंटरनेट के माध्यम से, आपके पास अच्छी स्पेस नहीं है, आपके पास नेटवर्क सुविधा नहीं है, आपके पास आपकी वेबसाइट को स्टोर करने के लिए सर्वर नहीं है, तो ये आपको टेम्परेरी सुविधा देता है स्टोरेज की। ठीक है, स्टोरेज की जो आपके कंप्यूटर में नहीं होती, लेकिन आप इंटरनेट के द्वारा स्टोरेज को अपने मोबाइल या कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं। सरल शब्दों में हम क्लाउड कंप्यूटिंग को यूं समझ सकते हैं कि इस तकनीक में कंप्यूटिंग, डेटा एक्सेस से लेकर डेटा स्टोर तक का सारा काम नेटवर्क पर ही होता है। आपको कंप्यूटिंग करना है, आप मान लीजिए कोई वेबसाइट चला रहे हैं, उसका सारा डेटाबेस, सारी फाइल कहां स्टोरेज है? क्लाउड कंप्यूटिंग में स्टोरेज है, क्लाउड स्टोरेज में स्टोरेज है। अब सारा डेटा कहां से एक्सेस किया जा रहा है? क्लाउड स्टोरेज से एक्सेस किया जा रहा है। तो ये सारी तकनीक को ही क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। क्लाउड
क्लाउड आधारित कंप्यूटर सिस्टम पर काम करने वाले को ना तो हार्ड ड्राइव की जरूरत रहेगी और ना ही मदरबोर्ड के बड़े खर्च की। यह निजी कंप्यूटर पर वायरस से होने वाले नुकसान का जोखिम भी दूर कर देता है। तो मेरे ख्याल से इसके बारे में हमने बतला दिया। तो आपके पास मान लीजिए सिंपल कंप्यूटर है, सिंपल लैपटॉप है, जिसमें ज़्यादा हार्ड डिस्क स्पेस नहीं है, जिसमें बहुत हैवी प्रोसेसिंग नहीं है, और आप उसमें कोई वेबसाइट रन करना चाहते हैं, आप कोई हैवी फाइल को स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने लोकल कंप्यूटर पर स्पेस बढ़ाने या उसकी प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग का इतिहास क्या है, आखिर कैसे क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो शुरुआत हुई और आज हम उसको हर जगह किसी भी कंपनी में आप चले जाएं, आप अपने मोबाइल में भी देखेंगे तो क्लाउड स्टोरेज का आप इस्तेमाल करते हैं। अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो इसका जन्म लगभग 1960 के दशकों में हुआ था। देखिए 1960 में क्लाउड कंप्यूटिंग तकनीक खोज ली गई थी, जब कंप्यूटर इंडस्ट्री ने कंप्यूटिंग को उसके पोटेंशियल बेनिफिट के आधार पर एक सर्विस यूटिलिटी के हिसाब से ग्रहण किया था। मतलब कि अगर किसी को किसी रिसोर्सेस को किसी को बिजनेसमैन को या किसी को भी देना है तो सर्विस यूटिलिटी, वो जितना यूटिलाइज करेगा उसको उतना पेमेंट देना होगा। इसके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का आविष्कार किया गया था। लेकिन पहले के कंप्यूटिंग कनेक्टिविटी और बैंडविड्थ दोनों में लैग थी, मतलब पहले कमियां थी, इंटरनेट की कमियां थी, 3G था, फिर 4G आया, अब तो 5G के द्वारा इंटरनेट की स्पीड काफी स्पीड हो चुकी है, जिसके चलते कंप्यूटिंग को एक यूटिलिटी के हिसाब से इम्प्लीमेंट कर पाना संभव नहीं था। तो जितनी जरूरत है उतना ही केवल इस्तेमाल कर पाना लोगों के लिए सामान्य नहीं था, क्योंकि उस समय इंटरनेट और उसकी कनेक्टिविटी की स्पीड कम थी। ये तब मुमकिन नहीं था जब तक कि एक बड़े पैमाने पर इंटरनेट बैंडविड्थ की अवेलेबिलिटी ना हो गई हो। तो ये सन 1990 तक, जिसके बाद हो कंप्यूटिंग को एक सर्विस के रूप में सोच पाना मुमकिन हुआ। 1960 में इसकी तकनीक विकसित तो हो गई थी, लेकिन 1990 इंटरनेट जब पूरी वर्ल्ड में तेजी से फैला तभी ये ज्यादा पॉपुलर हुई। आपने देखा होगा, अगर आप सिंपल उदाहरण लेते हैं गूगल ड्राइव का, तो ये भी एक क्लाउड स्टोरेज का ही एक उदाहरण है। आप गूगल के ड्राइव स्टोरेज नाम ऑप्शन एप्लीकेशन जिसका नाम है गूगल ड्राइव, इसमें आप 10 GB तक का डेटा स्टोर कर सकते, फिर उसके बाद आपको परचेज करना होता है। तो इस प्रकार से आपको ये इंटरनेट में फ्री डेटा स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध कराता है। इसी प्रकार से आपको बहुत सारे ड्रॉप बॉक्स का नाम आपने सुना होगा, अमेजोन का AWS सर्वर, तो लगभग आजकल हर ऐप बनाने वाली कंपनी अपने डेटा को स्टोरेज करने के लिए इस्तेमाल करती है। सन 1990 में सेल्सफोर्स पहली बार कमर्शियली इंटरप्राइज सैस का सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंटेशन किया गया, तो ये भी एक प्रकार का क्लाउड कंप्यूटिंग की टेक्नोलॉजी है, जिसे SaaS कहा जाता है। जिसके बाद सन 2002 में AWS ने, जो कि अमेजॉन वेब सर्विसेज के नाम से फेमस हुआ, जो कि बहुत से सर्विसेज जैसे ऑनलाइन स्टोरेज, मशीन लर्निंग, कंप्यूटेशन प्रोवाइड करवाती थी। आज माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे कई छोटे बड़े प्रोवाइडर मौजूद हैं, जो कि AWS के साथ मिलकर क्लाउड बेस्ड सर्विस दूसरे इंडिविजुअल, स्मॉल बिजनेस और ग्लोबल इंटरप्राइजेस को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सभी प्रकार के बिजनेसमैन को, इंडिविजुअल को, स्मॉल बिजनेसेस को क्या सुविधा प्रदान करते हैं, क्लाउड स्टोरेज की सुविधा प्रदान करते हैं, उनकी वेबसाइट के लिए सर्विस उपलब्ध कराते हैं, सर्वर उपलब्ध कराते हैं। तो इस प्रकार से क्लाउड कंप्यूटिंग का ये इतिहास हमने यहां पर जाना। इसके बाद देखते हैं आखिर ये कैसे काम करता है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में आप देख सकते हैं इस प्रकार से गूगल ड्राइव का आप इस्तेमाल करते हैं, अमेजॉन वेब सर्विस का आप इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत सारी कंपनी है, क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर्स हैं, जिसके द्वारा कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग सुविधा का इस्तेमाल कर पाते हैं। फिजिकल सर्वर पर इंफॉर्मेशन और सॉफ्टवेयर स्टोरेज के द्वारा क्लाउड कंप्यूटिंग काम करता है, जो सर्वर प्रोवाइडर द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। तो ये स्टोरेज कौन कंट्रोल करता है, सर्वर प्रोवाइडर जो इसकी सुविधा देते हैं। जैसे अमेजॉन वेब सर्विस की अगर क्लाउड कंप्यूटिंग आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अमेजॉन कंपनी इसका पूरा मेंटेनेंस और
और इसको कंट्रोल करता है, और आपको अपनी सर्विस और आपको अपनी जितनी आपको जरूरत है उसके हिसाब से रिसोर्सेस को उपलब्ध कराने के लिए ये मैनेजमेंट करता है। इसी प्रकार से गूगल ड्राइव है गूगल कंपनी का, मैनेज गूगल कंपनी करता है, और आपको जितना स्पेस चाहिए उतना आप गूगल से परचेस कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसे समझ सकते हैं, क्लाउड में दो लेयर है, एक बैकएंड लेयर और दूसरा फ्रंट एंड लेयर। फ्रंट एंड लेयर वह होता है जिसे आप देख सकते हैं और इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप वेब मेल जैसे जीमेल एक्सेस करते हैं, तो वह क्लाउड के फ्रंट एंड लेयर पर रन हो रहे सॉफ्टवेयर की वजह से संभव होता है। बैक एंड में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर होता है जो फ्रंट एंड को देखने के लिए मदद करते हैं। मतलब आप जीमेल इस्तेमाल करते हैं, आप जैसे जीमेल आईडी में लॉग इन करते हैं आपके सामने सारा इनबॉक्स और आपके ईमेल आ जाते हैं, तो जो इंटरफेस आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो कहलाता है फ्रंट एंड, और आपकी जो ईमेल है, आपका जो डेटा है, वो सारा कुछ कहां स्टोरेज होता है, क्लाउड स्टोरेज में स्टोर होता है। आपने देखा होगा कि यूट्यूब है, फेसबुक है, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आप करते हैं, जैसे ही आप यूट्यूब के किसी वीडियो में क्लिक करते हैं तुरंत वो प्ले हो जाता है, और जबकि उसका सर्वर तो अमेरिका में है। तो ये सभी अब आजकल क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिससे कि आपको वो रिसोर्सेज दे दिया जाता है आपके नियरेस्ट सर्वर से, आपकी नियरेस्ट स्पेस से। जैसे बादल आपके चारों तरफ होते हैं ना, उसी प्रकार से स्टोरेज होता है आपका नियरेस्ट स्टोरेज, उससे एक्सेसिंग फास्ट हो जाती है। और अगर आपका रिसोर्सेस कई जगह रखा हुआ है और एक जगह अगर कोई सर्वर में प्रॉब्लम आई तो दूसरी जगह से रिसोर्सेस चालू हो जाता है, जिससे कि जो इस्तेमाल कर रहा है उसको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, उसको कभी अपने किसी काम में रुकावट नहीं आती है। तो यहां पर हमने समझा कि क्लाउड कंप्यूटिंग किस प्रकार से काम करता है। अब हम देखते हैं क्लाउड सर्विसेज कौन कौन से प्रकार की होती हैं। तो पहली होती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, IaaS। यह सर्विस ऑन डिमांड IT इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस देती है। इसमें स्टोरेज, नेटवर्क और कंप्यूटर शामिल हैं जो आपके वर्कलोड को रन करते हैं। एक बिजनेसमैन यूजर के रूप में आप IT सर्विसेज के लिए अनुरोध कर सकते हैं और केवल वही सर्विसेज का भुगतान करें जिन्हें आप यूज कर रहे हैं। तो यदि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, आप IT के रूप में कुछ कंपनी में ऑफिस में कुछ सॉफ्टवेयर रन कर रहे होते हैं जिसमें आपको नेटवर्क की जरूरत पड़ती है, जिसमें आपको स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, तो ये आप IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग का ही एक प्रकार है, उससे सुविधा ले सकते हैं अपने बिजनेस में। इसी प्रकार से दूसरा होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। यह एक क्लाउड बेस्ड एनवायरनमेंट है जिसे आप एप्लीकेशन को डेवलप, टेस्ट, रन और मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस सर्विस में वेब सर्वर, डेव टूल, एग्जीक्यूशन रन टाइम और ऑनलाइन डेटाबेस शामिल है। इसमें आप फास्ट काम कर सकते हैं और एप्लीकेशन को जल्दी रिलीज कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, जैसे पहले क्या होता था कि सारे एप्लीकेशन को आपको अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करके वर्क करना होता था, लेकिन अब क्या हो गया है, कोई भी वेबसाइट बनानी होती है या किसी भी प्रकार का कोई एप्लीकेशन डेवलप करना होता है तो ऑनलाइन आप क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल करके, क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करके आपको अपने कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप उसी में अपना एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, आप उसी में अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, वहीं पर वेबसाइट को टेस्ट कर सकते हैं, वहीं पर वेबसाइट को रन कर सकते हैं, जिससे आपके कंप्यूटर में उस वेबसाइट को बनाते समय जो मेमोरी है, जो स्टोरेज है, उसका भार नहीं होता, और सारा भार कौन मैनेज करता है, आपका क्लाउड स्टोरेज मैनेज करता है। तो यदि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी के रूप में किसी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके और कुछ एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं, वेब एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं, उन्हें टेस्ट और रन करना चाहते हैं, तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस PaaS का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस छोटे व्यवसायियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे आम रूप, इसमें रिमोट सर्वर पर होस्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग शामिल है। यह आपके वेब ब्राउजर के माध्यम से एप्लीकेशन रन करता है और आपके बिजनेस के बाहर स्टोर फाइलों को सेव, रिट्रीव, शेयर करता है। ये एक प्रकार का एप्लीकेशन ही है जो आपको
आपके बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर को कंप्लीट उपलब्ध कराता है। जैसे आप एक बहुत बड़ी कंपनी है और आपकी कंपनी में आपको एक CMS सॉफ्टवेयर को चलाना है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर CRM सॉफ्टवेयर को चलाना है, जिसके अंतर्गत आप अपने जो भी बिजनेस में उसमें आने वाले फोन कॉल्स को और उसमें कस्टमर जो भी इंगेजमेंट दिखाता है उसका डेटा आप स्टोर करके रखना चाहते हैं। तो ये सारा कुछ आप एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं क्लाउड स्टोरेज का। जैसे बहुत सारे क्लाउड स्टोरेज इंटरनेट में CRM सॉफ्टवेयर उपलब्ध है, आप इंटरनेट में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो यदि आप एक छोटे बिजनेसमैन है या आगे चल के आप बिजनेस करेंगे तो क्लाउड स्टोरेज के द्वारा आपको बहुत सारी सुविधा मिलेगी, जिस सुविधा का लाभ उठा के आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से रन कर पाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो तीनों चीजों के बारे में हमने पढ़ा हुआ है उसे इस पिक्चर के माध्यम से आप समझेंगे, SaaS, PaaS और IaaS, SaaS भी बोल सकते हैं, PaaS भी बोल सकते हैं और IaaS भी बोल सकते हैं। अब इसको SaaS को कौन यूज करता है? बिजनेस यूजर्स यूज करते हैं। किस लिए? व्हाट सर्विस आर अवेलेबल? ईमेल, ऑफिस ऑटोमेशन, CRM, वेबसाइट, टेस्टिंग, विकी, ब्लॉग, वर्चुअल डेस्कटॉप के लिए। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है बिजनेस यूजर्स के द्वारा। व्हाई यूज इट? टू कंप्लीट बिजनेस टास्क, बिजनेस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। सेकेंड वाले का इस्तेमाल डेवलपर्स एंड डिप्लॉयर्स, जो सर्विस एंड एप्लीकेशन टेस्ट करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं और किसी को सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करके देना चाहते हैं, तो वो इस एनवायरमेंट का इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। क्रिएट और डिप्लॉय एप्लीकेशन एंड सर्विसेज फॉर यूजर्स, ठीक है, तो किसी दूसरे यूजर्स के लिए यदि किसी को कंपनी को कोई सर्विस बनाना है, कोई एप्लीकेशन डेवलप करना है तो वो इस दूसरे क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रकार का इस्तेमाल करता है। तीसरा है IaaS, सिस्टम मैनेजर्स, वर्चुअल मशीन्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, मैसेजेस क्यू, नेटवर्क, स्टोरेज, CPU, मेमोरी, बैकअप सर्विस, क्रिएट प्लेटफॉर्म फॉर सर्विस एंड एप्लीकेशन टेस्ट डेवलपमेंट इंटीग्रेशन डिप्लॉयमेंट। तो ये भी वर्चुअल मशीन उपलब्ध कराता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध कराता है, मैसेज, आपका कोई सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर पर, मान लीजिए आपके कंप्यूटर पर विंडोज 10 है लेकिन वो चलेगा लिनक्स में, तो आप इस सुविधा का फायदा लेकर के क्लाउड में भी अपने सॉफ्टवेयर को रन करके देख सकते हैं। नेटवर्क स्टोरेज को उपलब्ध कराता, CPU को भी उपलब्ध कराता है, जिससे आप किसी एप्लीकेशन को बहुत ही फास्ट अपने कंप्यूटर में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपको अपने कंप्यूटर में किसी भी प्रकार से CPU की क्षमता, मेमोरी को बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तीन कैटेगरी के क्या होते हैं? क्लाउड स्टोरेज होते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स और बेनिफिट्स क्या होते हैं, आखिर फायदा क्या होता है हमको क्लाउड कंप्यूटिंग का, चलिए इसके बारे में समझते हैं। देखा जाए तो क्लाउड कंप्यूटिंग के ऐसे बहुत से आकर्षक बेनिफिट्स हैं जो कि बिजनेसेस और लोगों के बहुत काम आने वाले हैं। ऐसे 5 मुख्य बेनिफिट्स जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग के हैं, सेल्फ सर्विस प्रोविजनिंग, ठीक है, एंड यूजर्स अपने जरूरत के हिसाब से कोई भी काम कर सकते हैं जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत हो। इससे ट्रेडिशनल जरूरत जो कि IT एडमिनिस्ट्रेटर जो पहले आपके कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज और प्रोविजन करते थे उनकी और जरूरत नहीं है। सेल्फ सर्विस, आपको जितनी स्टोरेज की जरूरत है, आपको जो भी टूल की जरूरत है, केवल आप उसका ही भुगतान करते हैं और उसको ऑटोमेटिक, जैसे कि आप सेल्फ सर्विस का मतलब क्या समझते हैं, रेस्टोरेंट में गए आप, खुद आपने प्लेट ली, आपको चीजें रखी, आप जो है मंगा सकते हैं या ले सकते हैं, पानी आप खुद लेते, सेल्फ सर्विस कहलाती है। उसी प्रकार से क्लाउड में सारे एप्लीकेशन हैं, आपको जाना है, आपको अपने हिसाब से इस्तेमाल करना और जितना आप इस्तेमाल कर रहे हैं उतना आपको पेमेंट देना है। इलेस्टिसिटी, कंपनीज अपने जरूरत की कंप्यूटिंग के हिसाब से उसे बढ़ा और कमा भी सकती है। AWS इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जैसे आपका कोई ऐप है और आपका स्टोरेज आपने लेकर के रखा है AWS अमेजॉन वेब सर्विसेज में, अब आपके ऐप में यदि एकदम से ट्रैफिक आता है तो आपका स्पेस उसमें ऑटोमेटिक बढ़ जाता है और जैसे ही किसी समय आपका ट्रैफिक कम होता है तो उसमें स्पेस कम हो जाता है और आपको उतना ही चार्ज देना पड़ता है। नहीं तो पहले क्या होता था कि आपने एक बार जितना स्पेस ले लिया, यदि ज्यादा ट्रैफिक आ गया तो वेबसाइट क्रैश हो जाती थी, और यदि आपने ज्यादा ट्रैफिक लेके रखा है, आपने ज्यादा स्पेस लेकर के रखा है और ट्रैफिक कम आ रहा है तो उससे क्या नुकसान होता था, आपको ज्यादा पेमेंट देनी पड़ती थी। तो इलास्टिसिटी ये भी एक बहुत बड़ा फीचर है क्लाउड
क्लाउड कंप्यूटिंग का। इससे ये फायदा है कि पहले जैसे लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी इन्वेस्टमेंट लगता था, वो अब बिल्कुल ही बंद हो गया। इससे कंपनीज को बहुत फायदा होता है। पे पर यूज, कंप्यूट रिसोर्सेज को ग्रेनुलर लेवल में मेजर किया जाता है, जिससे कि यूजर्स को सिर्फ उन्हीं रिसोर्सेज वर्कलोड के पैसे देने होते हैं जिसको भी इस्तेमाल कर रहा होता है। इसके अलावा है वर्कलोड रिसैलेंस। क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर अक्सर रिडंडेंट रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो रिसाइलेंट स्टोरेज प्राप्त कर सके और इसके साथ वो यूजर के इंपॉर्टेंट काम को चालू रख सके जो कि मल्टी ग्लोबल रीजन में मौजूद हैं। ये वर्कलोड रिसाइलेंस कर देता। वर्कलोड मतलब कि यदि एक जगह एक सर्वर में वर्कलोड ज्यादा हो रहा तो उसको ये शेयर कर देगा। मान लीजिए एक जगह स्टोरेज में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो ये दूसरी जगह से उसको रिसोर्सेस उपलब्ध कराने लगेगा। तो ये साइलेंस तरीके से आपको वर्कलोड को ये मैनेज करते ही रहता है। माइग्रेशन फ्लेक्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन अपने जरूरत के हिसाब से कुछ वर्कलोड को एक क्लाउड प्लेटफॉर्म से दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी तकलीफ के और ऑटोमेटिकली, जिससे पैसों की भी बचत होती है। ऑटोमेटिक आपके स्टोरेज में यदि एक जगह वर्कलोड बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिक आप उसको बड़ी ही आसानी से उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये आपने देखा क्लाउड स्टोरेज के बेनिफिट्स के बारे में। लो कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, कोलैबोरेट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, मोबिलिटी, कहीं भी आप जा सकते हैं, डेटा लॉस्ट नहीं होता क्योंकि कई जगह डेटा आपका स्टोर हो सकता है, सिक्योरिटी हो जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये थे क्लाउड स्टोरेज के बेनिफिट्स जो कि आपको हर जगह काम आएंगे। यदि आप कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं वहां पे भी काम आएगा आपको, और आप आगे चल के कोई बिजनेस करेंगे, कहीं जॉब करेंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे, तब भी आपको क्लाउड स्टोरेज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो आज हमने डिस्कस किया क्लाउड स्टोरेज के बारे में। इसी प्रकार से हम अपने चैनल में वीडियोस लाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर की बटन दी गई है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। क्यों? ताकि आने वाली कोई भी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक जरूर कर दो। लाइक करते हो तो ऐसा लगता है कि हाँ, और भी वीडियोस ऐसे आपको बना करके देने चाहिए। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप इसके बारे में अपने दोस्तों को भी बतलाना चाहते हैं, आपके क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक में। कमेंट में बताइए आपको और कौन सा जो है टॉपिक देखना है, समझना है। एक चीज और हम आपको बतलाना चाहेंगे कि हमने शुरुआत कर दी है अपने YouTube चैनल के माध्यम से। जो वीडियोस हम डालते थे उसमें बहुत सारे एड्स वगैरह भी आते हैं और वीडियो सीक्वेंस में नहीं थी। तो हमारा एक ऐप है जिसे प्ले स्टोर में जाकर के आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल में, जिसका नाम है माई कंप्यूटर कोर्स। उसके अंतर्गत आप स्टोर टैब में जाकर के देखना, आपको बहुत सारे कोर्सेस मिलेंगे। इन कोर्सेस के अंदर बहुत सारे वीडियोस हैं, नोट्स हैं, ठीक है, टेस्ट पेपर हैं। तो इनको जाकर के एक बार आप जरूर देखिए कि कौन कौन से कोर्सेस हमने बनाए हैं, उनके अंदर क्या क्या कंटेंट बनाया हुआ है, एक बार जाके जरूर विजिट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।